राम भद्राय रामचंद्राय विद्धे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरणौ रघुवर विमल जसु जो दायक भल जाय। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मुहि हरहु कलेश विकार। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद ताकत है। आज सुबह से तो कुछ खाने का समय नहीं मिला कि कुछ प्रसाद कर ले। पांच जगह जाना था, 400 किलोमीटर की यात्रा करके वापस आ गया और इतनी फुर्ती से कथा कह रहा हूं और आप लोग खा पी के भी भगवान का नाम नहीं ले पा रहे हो। प्रेम से बोलो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद।
भगवान की जय हो। भगवान की अनंत कृपा से प्रेरित होकर के आपका ये पावन सुंदर गांव स्वर्ण रेखा नदी के तट पर बसा हुआ भोरखाडे की इस पावन भूमि ग्राम में चलने वाले चतुर्थ दिवस की पावन वांग्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण के इस दिव्य अनुष्ठान में श्रीमद् भागवत कथा कमेटी द्वारा आयोजित यह पावन सुंदर अनुष्ठान में श्रद्धा भक्ति विश्वास के द्वारा प्रेरित होकर के आए हुए आप सभी श्रद्धानिष्ठ भक्तजन मंच पर विराजमान समस्त संगीताचार्य विद्वान और पावन श्रीमद् भागवत महापुराण का विशेष प्रसारण भक्ति जागृति यूट्यूब चैनल के माध्यम से देख रहे आप सभी तमाम श्रद्धानिष्ठ भक्तों को भगवान की अनंत कथा को आरंभ करने से पूर्व इस व्यासपीठ से मेरा कोटि कोटि प्रणाम। कल और परसों मिलाकर एक एक घंटा आप लोगों ने कथा लेट शुरू की, तो आज हमने अपनी इच्छा से 2 घंटा कथा लेट कर दी, है ना? इसलिए कल की कथा लेट होगी ऐसा सोच के सो मत जाना कल। परीक्षित को श्राप लग गया। हमारे माइक की आवाज थोड़ा बढ़ा दो, ऐसे ही रोटी खाई नहीं है, गला कमजोर हो गया, भात खावर पूरे आवाज बेची जोर। परीक्षित को श्राप लग गया 7 दिन बाद मृत्यु का, मृत्यु हो जाएगी 7 दिन बाद। हम में और परीक्षित का एकमात्र अंतर यह है, देखो मरना सभी को है, हम भी मरेंगे आप भी मरेंगे, परीक्षित भी मरा, किंतु मृत्यु को जानते हुए भी हम अपनी मुक्ति का उपाय नहीं करते हैं। मृत्यु की सत्यता को जानने के बाद भी मुक्ति का माध्यम नहीं खोजते हैं। मृत्यु का साधन जानते हुए भी हम मुक्ति की तरफ नहीं जाते, यही एकमात्र हमारी आपकी कमी है। परीक्षित को जैसे ही पता चला कि 7 दिनेर पोरे तुम्हार मृत्यु होए जावे, उन्होंने राजपाट को छोड़ दिया और राजपाट को छोड़ करके परीक्षित सत्कर्म करने के लिए बैठा है। और जब सत्कर्म की अभिलाषा से राजा परीक्षित बैठे हैं तो वहां सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ और सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित कहने लग गए, अहो अद्य वयम् ब्रह्मण सत्यसेव छत्रबन्धव कृपया तिथि रूपेण भवदीस्तृतिका कृता। प्रभु आपका दर्शन इस पावन तीर्थ में हो रहा है, सुखदेव जी को देख करके परीक्षित ने तुरंत हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहने लग गए, आप दिव्य हैं, श्रेष्ठ हैं, ब्राह्मणों में श्रेष्ठ हैं, गुरुओं में श्रेष्ठ हैं, आपको ये परीक्षित बारंबार प्रणाम करता है, आप हमारे समक्ष आ गए हैं, मेरे मन में एक ही प्रश्न है, क्या
अत प्रक्षयामि संसिद्धयो योगिनां परमं गुरु। आप योगियों के परम गुरु हैं, इसलिए मैं आपसे एक प्रश्न करता हूं। क्या प्रश्न? साधारण सा प्रश्न है, जिस मनुष्य की मृत्यु 7 दिन के बाद होनी है, 7 दिन में होनी है, उसको करना क्या चाहिए? और हम तो देखो हर बार एक ही बात कहते हैं कि हमारी आपकी सभी की मृत्यु 7 दिन के भीतर ही होनी है, हमारे पास उसके अतिरिक्त कोई समय नहीं है। कोनो मानुष सोमवारे मारा जाबे, कोनो मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि, ए 7 दिन छाड़ा तो आर कोनो भगवान विशेष बार बनाई नहीं। इसलिए मृत्यु इन 7 दिनों में ही होनी है। सुखदेव जी महाराज बड़े प्रसन्न हो गए और प्रसन्नता से सुखदेव जी महाराज कहने लग गए, परीक्षित, तुमने जो ये प्रश्न किया है ना, वो अपने लिए नहीं किया, केवल वो सकल जीव के लिए किया। और कहने लग गए द्वितीय स्कंध में भगवान श्री सुखदेव जी महाराज, क्या वरिया निशते प्रश्न कृतो लोक हृतो नृप आत्मविद्विषमनस्तपुंसा श्रोतव्यादिशुयं परम। तुमने जो ये प्रश्न किया ना, ये केवल अपने लिए थोड़ी ना किया है, सभी जीव के लिए किया है। इसलिए परीक्षित, ऐसे मनुष्य को एक ही काम करना चाहिए। 7 दिन में तो एक ही चीज हो सकती है मुक्ति का, क्या? तो कहने लग गए इदम भागवतम नाम पुराणम। 7 दिन में होने वाली एक ही चीज है, वो भागवत है, उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। इसलिए भागवत का श्रवण करो। परीक्षित ने कहा तो गुरुदेव सुनाइए, तो कहने लग गए ऐसे नहीं, भागवत के कुछ नियम हैं, सुनने के नियम। मैंने पहले दिन ही कथा में कहा कि कथा परीक्षित बनकर के सुनना पड़ेगा, और परीक्षित बनकर के सुनने वाले श्रोता को मुक्ति होती है, और बाकी तो श्रोता सुनते रहें तो उनके मन में श्रद्धा आएगी, भक्ति आएगी, थोड़ा विश्वास प्रबल होगा, इतना साधन होगा। लेकिन परीक्षित के भाव से सुनने वाली कथा हमारे जीवन को मुक्त कर देगी। तो कहने लग गए परीक्षित, सबसे पहले तो नियम है घर को छोड़ना पड़ेगा। गुरुदेव मैंने तो घर छोड़ दिया। बोले ऐसे नहीं, घर छोड़ करके यहां बैठे तो अब दोबारा घर का ध्यान नहीं आना चाहिए। अब ईमानदारी से बताओ, आप यहां बैठे हो, घर का ध्यान आता है कि नहीं आता है? बैठे बैठे आसे कि नहीं आसे तुम्हारे मोने? नहीं आसे। बोल तो रहे हो ना है, बाकी जखोनी आज के नोटा पार हो जावे सब जन घोड़ी देखते थकवे। आरती होने से पहले तो तुम लोग प्रसाद लेकर भाग जाते हो, आरती हुई नहीं कि गेट पे खड़े, आरती ली तक नहीं। एक बात जानते हो, कथा का पूर्ण लाभ तब होता है जब भगवान की आरती को हम अपने माथे से लगाते हैं। इसलिए सुनने वाले श्रोता, तुम्हारे जुन नहीं बोलछी, 5 टका आरती है थाली नाए दिबे चोलबे, किंतु आरती को मस्तक से अवश्य लगाना चाहिए, भगवान के भोग का प्रसाद अवश्य प्राप्त करना चाहिए, यही फल को प्रदान करता है। ए जन्ने जो कथा सुन रहे हो ना, तुम्हारे के एक्टर
भालो जिनिस बोलची, बिना आरती लिए हुए कभी प्रस्थान न करो। हमारी कथा नहीं, कोई भी कथा हो चाहे सत्यनारायण की ही क्यों ना हो। मंदिर में भी आरती यदि हो रही उस दौरान आप चले गए तो आरती के बीच में जाना पाप माना गया है, और बिना आरती लिए हुए जाना भी पाप माना जाता है, इसलिए ऐसा पाप नहीं करना चाहिए। तो कहने लगे परीक्षित, पहले तो घर छोड़ना होगा। मैंने तो छोड़ दिया। बोले नहीं, अब घर का ध्यान नहीं आए, फिर शुद्ध जल में स्नान करो। परीक्षित तुरंत स्नान करके आ गया गंगा जी में। फिर बोले प्रणव का उच्चारण करो, ओम का उच्चारण करो। परीक्षित करने लग गया। बोले इतने से काम नहीं चलेगा क्या? तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं, जिताशनो जीतश्वासो जीत संगोच जितेंद्रिय स्थूले भागवतो रूपे मनः संधाय इंद्रिया। परीक्षित, आपको आपको जितासन आसन को जीतना होगा। आसन जीतने का तात्पर्य एक स्थान पर बैठ गए तो हिलना डुलना नहीं है, फिर इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं है। बैठ जाओ, अब कथा सुनने के लिए आए हो। हम सुबह 4 बजे से बैठे हैं, सो बैठे हुए हैं, अभी भी देखो बैठे, और रात के 1 बजे तक बैठे ही रहेंगे, क्योंकि यहां से जाने के बाद ऐसा नहीं कि सेवा करके हम सो जाते हैं। हम लिखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, भजते हैं, और जब दुनिया शांत हो जाती है तो साधु आत्मचिंतन करता है। इसलिए मेरा सोने का तो टाइम 1 बजे 2 बजे रात का है, और ऐसा नहीं कि घोड़ा बेच करके सुबह के 10 बजे तक सोते ही रहें, ऐसा भी नहीं। सुबह उठ भी जाते, इसलिए क्या कहा, अब बैठ जाओ। जिताशनो जीतश्वासो, श्वास पर विजय को प्राप्त करो, और जीत संगोच जितेंद्रियः। मैं 2 दिन से एक बात पर जोर दे रहा हूं, संगत से गुण का आदान प्रदान होता है। अच्छी संगत हमें अच्छाई की तरफ ले जाएगी, और बुरी संगत हमें बुराई की दृष्टि तरफ ले जाएगी, हमारा बुरा होगा। इसलिए संगत से ही गुण आते हैं, संगत से गुण जात, संगत अच्छी होनी चाहिए। और जितेंद्रिय हो जाओ। परीक्षित ने कहा, गुरुदेव मैं अधमी पापी नीच, हमारा उद्धार भगवान करेंगे? तो भगवान सुखदेव जी महाराज ने सुनाई विदुर जी की कथा। विदुर को जानते हो तुम लोग? गरीब थे, धर्म का साथ न दे पाए, क्योंकि अधर्म का अन्न खाया था, और जिसका अन्न खाया उसका विरोध नहीं कर सकते थे। लेकिन विदुर जी जानते थे कि अधर्म का पक्ष लेना पाप है, मैं धर्म का पक्ष नहीं ले सकता तो अधर्म का भी पक्ष नहीं लूंगा। छोड़ दिया उन्होंने, कौरवों का शासन नहीं चाहते हैं, धृतराष्ट्र की वो गद्दी छोड़ी, उनकी सेवादारी छोड़ दी, चले गए वन में रहने के लिए, राजपाट वैभव संपदा सब कुछ चला गया, केवल भक्ति रही भगवान की। और भगवान अपने भक्त का कल्याण सदा सर्वदा करते हैं, वो भगवान अपने भक्त के कल्याणार्थ कभी ऐसा नहीं देखते कि हमारा भक्त गरीब है, अमीर है, धनवान है, कैसा है, ये भगवान नहीं देखते। इसीलिए तो कहा गया, सबरी के बैर सुदामा के तंदुल, रुचि रुचि भोग लगाए मेरो मोहन,
भगवान शबरी के पैरों को भी खाते हैं और सुदामा के वो चावलों को भी भगवान खाते हैं। है भगवान द्वारिकाधीश, है भगवान लक्ष्मीपति, है भगवान तीनों लोकों के स्वामी, लेकिन अपने भक्त का धन वैभव देख करके भगवान नहीं जाते। भगवान क्या देखते हैं? भक्ति। परीक्षित, जब भगवान इस धरा धाम को छोड़कर जा रहे थे, उस दौरान भगवान ने ध्यान किया विदुर का और उद्धव को कहा कि मैंने सबको सब कुछ प्रदान कर दिया, किंतु एक रह गया है, वो हमारा विदुर है। आप विदुर को कहो कि मुक्ति के निमित्त भागवत की कथा को सुने। मैं चाहता हूं विदुर भी भागवत की कथा को सुन करके मुक्त हो जाए, विदुर की भी सदगति हो जाए, विदुर भी मुक्त हो जाए। उद्धव जी को जब भगवान ने ऐसा कहा तो भगवान ने लीला विश्राम दी। उद्धव जी विदुर जी को खोजने चले गए और विदुर जी को खोजने लगे। जंगल में विदुर जी से मुलाकात हुई, दर्शन हुआ विदुर जी का। विदुर जी का जैसे ही दर्शन हुआ तो उद्धव जी ने समस्त कथा बताई। उद्धव जी ने विदुर जी को जब समस्त कथा बताई तो विदुर जी कहने लग गए, आप मुझे भगवान की फिर उन कथाओं को बताते क्यों नहीं हो जिन्हें भगवान ने आपको कहने के लिए कहा है? बताओ वो कथा, भगवान की बाल लीलाएं, औघर लीलाएं, द्वारिका गमन, मथुरा गमन की लीलाएं, द्वारिका निर्माण, वो पांडवों की रक्षा कैसे भगवान करते हैं, ये समस्त कथाएं आप मुझे बताते क्यों नहीं है? जानते हो? उद्धव जी विदुर जी को कहते हैं, विदुर जी निसंदेह मैं ये कथाएं जानता हूं, मैं भगवान की लीलाओं को जानता हूं, मैं भगवान की इन समस्त कथाओं से परिचित हूं, किंतु परिचय होने के बाद भी ये कथा कहने का अधिकारी नहीं हूं, क्योंकि आपको कथा उससे सुनना है जो कथा को सुना करके मुक्त कर दे। मैं तो स्वयं मुक्ति के मार्ग पर हूं, मैं आपको कथा सुनाकर मुक्त नहीं कर सकता। इसलिए भगवान ने कहा है कथा किससे सुननी चाहिए? कथा उससे सुननी चाहिए जो ब्रह्मचारी हो, जो सदाचारी हो, जो सत्संगी हो, जो ब्राह्मण हो, जो सन्यासी हो, जो सत्कर्म करता हो। ध्यान देना, ब्रह्मचारी, सन्यासी, ब्राह्मणों के लिए भगवान ने ये कथा प्रदान की कि वो इन कथाओं का प्रचार करें और भक्तों को मुक्ति के मार्ग की तरफ ले जाएं। आज का समाज विकृत हो गया है। मुझे बोलने में तनिक भी लज्जा नहीं आती है इस विषय का कि आज तो कोई भी कथा कह देता है और किसी के मुख की भी कथा लोग सुन भी ले रहे हैं। कथा सुनना बुरा नहीं है, लेकिन विषय यह है कि जो कथा कह रहा है वो स्वयं में सदाचारी है तो पता चला कथा कर रहा है। हमने प्रत्यक्ष देखा, एक बार हमारी कथा पड़ गई ऐसी कि वहां दो लोगों की कथा साथ होती थी, एक ही मंच और दो व्यास। पहले दिन हमने देखा व्यास जी थे बनारस के, पान पराग का बड़ा डब्बा लेकर बैठते थे मंच वापे, कथा करें भजन होए धीरे से पांग परा गप। हमने कहा पहली बात तो ये हमारी कथा होगी तो वो व्यासपीठ में तो नहीं करेंगे जिसमें पांग परा खाता हो। अब जो पांग परा खाकर कथा करे वो क्या मुक्ति कराएगा? जो स्वयं में पवित्रता का ज्ञान न रखता हो वो क्या मुक्त करेगा? जो स्वयं अपवित्र रहता हो वो पवित्रता के विचारों को क्या जानेगा?
और जो स्वयं पवित्र नहीं रहता है वो आपकी आत्मा को पवित्र कैसे बनाएगा, वो आपके मन को कैसे पवित्र कर सकता है। इसलिए उद्धव जी कह रहे हैं, मैं ज्ञानी हूं, मुझे ज्ञान है भागवत का, किंतु मैं स्वयं मुक्ति के पथ पर हूं, ये कथा कहने का अधिकारी या तो ब्राह्मण है या सन्यासी है। ना तो मैं ब्राह्मण और ना ही मैं सन्यासी, इसलिए कथा मैं नहीं कर सकता। आजकल तो टीवी खोलो तो पुरुष वक्ता से ज्यादा महिला वक्ता मार्केट में हावी हैं। सही कह रहा हूं, और बुरा मानने की बात नहीं, ये सत्यता है। पुरुष व्यास की कथा में जितनी खर्चा नहीं होता उससे दुगुना तिगुना महिला व्यास की कथा में खर्चा कर रहे हैं लोग, उनको दक्षिणा भी देते हैं उतनी। महिलाओं को व्यासपीठ से कथा कहने का अधिकार भगवान ने नहीं प्रदान किया है, ये सत्य है। कारण चूंकि मासिक चक्र के दौरान उनमें जो दोष आते हैं उस दोष के समय क्या करोगे। मान लो मैं अभी यहां कथा कह रहा हूं, इससे पूर्व मैं हितकू में कथा किया, उससे पूर्व बंगाल में कर रहा था, उससे पूर्व छत्तीसगढ़ में कर रहा था, उससे पूर्व भोपाल में कर रहा था, उससे पूर्व चाकुलिया में कर रहा था, अभी के बाद नवादा में करूंगा, फिर धनबाद में करूंगा, फिर दुमका से आए हुए उनके यहाँ करूंगा, फिर बोकारो में करूंगा, फिर बोकारो के बाद फिर धनबाद में करूंगा, फिर बंगाल में करूंगा, फिर हरिद्वार में जाऊंगा, हरिद्वार के बाद फिर 3-4 कार्यक्रम, वो मई तक। चूंकि शरीर की गति ब्रह्मा जी ने जिसकी जैसी बनाई है, स्त्री और पुरुष का भेद जैसे बनाया वो तो वैसे ही रहेगा, और बुरा मानने की बात नहीं है, ये सत्य है। देखो भगवान ब्रह्मा ने जिस प्रकार सृष्टि की रचना की, अब किसी महिला कथावाचक का टाइम लेना तो पता चलेगा महीने भर कथा ही चल रही उनकी, 2 महीने कथा चल रही है, और उस दौरान जो मासिक चक्र आया जिस दौरान उन्हें गोविंद की पूजा करने का अधिकार नहीं, जिस दौरान वो भगवान के मंदिर नहीं जाते, अशुद्ध काल माना गया है हमारे साथ, उस समय वो व्यासपीठ पर बैठ के कथा कह रही, स्वयं का बंटाधार तो कर ही रही, सभी भक्तों का बंटाधार करते रहती हैं। इसलिए भागवत में प्रत्यक्ष भगवान ने कहा है उद्धव जी के मुख से कि कथा कहने का अधिकारी केवल और केवल 2 ही लोग हैं, ब्राह्मण और सन्यासी कथा करने का अधिकारी होता है। उद्धव जी कह रहे मैं ज्ञानी हूं किंतु मेरा अधिकार नहीं है। और सुनाया उद्धव जी ने भगवान की बाल लीलाओं को, सत्संग किया उद्धव जी ने विदुर जी के साथ, लेकिन मुक्ति प्रद कथा नहीं की और भेज दिया मैत्री मुनि के साथ। नहीं विश्वास तो भागवत खरीद के पढ़ लेना इस बात को, द्वितीय स्कंध की कथाएं यहां से आरंभ होती हैं। विदुर जी को उद्धव जी ने कथा नहीं सुनाई, मैत्री मुनि के पास भेज दिया, और मैत्री मुनि से विदुर जी कहने लग गए, हम आपसे जानना चाहते हैं वो विषय कि भगवान लीलापति लीला कैसे करते हैं, अजन्मा भगवान जन्म कैसे लेते हैं, और भगवान ने कैसे बनाई इन सृष्टियों को, भगवान के कितने अवतार हुए, कौन कौन अवतार हुए, आते हैं भगवान क्यों, और भक्त भगवान की कैसी गुणगान गाते हैं। परीक्षित को बता रहे हैं सुखदेव जी महाराज ये सारी कथा, और आप लोगों को तो पता है भगवान निराकार हैं। निराकार का मतलब जिसका कोई आकार नहीं है, और वो निराकार भगवान को जब साकार रूप धारण करना पड़ता है तो वो निराकार भगवान ही अपनी शक्ति से अनंत आंख, अनंत नाक, अनंत मुख, अनंत कान, अनंत भुजाएं, अनंत पैर भगवान बना लेते हैं, और वही भगवान को विराट भी कहा जाता है। वही दिव्य शक्ति से विष्णु
और विष्णु के नाभि से ब्रह्मा वो समुद्र का जल क्षीर सागर विष्णु की तप से निकला शरीर का रोम रोम के बूंद से निकलने वाला वो जल चारों तरफ फैल गया। उस जल के ऊपर ब्रह्मा आए, मैत्री मुनि कह रहे हैं, और ब्रह्मा को मन में आया कि हमारा जन्म किसने किया, तो आकाशवाणी हुई ब्रह्मा तप करो। तब जाकर के ब्रह्मा ने तपस्या की और तपस्या करके ब्रह्मा को ज्ञान हुआ सृष्टि की रचना करें। ब्रह्मा जी करने लग गए सृष्टि की रचना। रचना कर रहे हैं सृष्टि की, कौन सी रचना? वो रचना ब्रह्मा जी कर रहे हैं पितरों की, गंधर्वों की, मनुष्यों की, देवताओं की, अहंकार की, भूत स्वर्ग की, और ऐसी रचना करते करते ब्रह्मा जी ने बना दिया सनत कुमारों को। और सनत कुमारों को बना करके कहने लग गए जाइए आप सृष्टि का क्रम बढ़ाइए। सनत कुमारों ने कहा ये काम हमारा तो नहीं है। क्यों? आपका क्यों नहीं? कहने लग गए हमारा एक ही काम है, भगवान का भजन करना, हम भजन के अलावा कुछ नहीं जानते। भजन के अलावा हमको दूसरा कुछ सूझता ही नहीं। इसलिए वृंदावन के पूज्य महाराज श्री गाया करते हैं एक भजन, गुरु शरणानंद जी महाराज, साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से, साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से, साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनिया जी कहते हैं ठाकुर हमरे रमन बिहारी, हम हैं रमन बिहारी के, साधु सेवा धर्म हमारा, काम ना दुनियादारी से। हमसे कोई पूछे आटा का दाम तो नहीं पता, चीनी का दाम नहीं पता, आलू का दाम नहीं पता। हाँ कोई पूछे पुराण कितने हैं जानते हैं, तीर्थ का कहां कहां है जानते हैं। इसलिए क्या साधु सेवा धर्म हमारा, काम ना दुनियादारी से, मिला तो बढ़िया ना मिला तो बहुत बढ़िया। गुरु शरणानंद जी महाराज जी कहते हैं कोई भला कहे चाहे बुरा कहे, हम हो गए रमण बिहारी के। भक्त की परिभाषा कैसी, दुनिया अच्छा कहे और चाहे बुरा कहे, क्योंकि दुनिया का तो काम है कहना। दुनिया के लोग अच्छा भी कहेंगे, दुनिया के लोग बुरा भी कहेंगे। क्यों? जिन्हें अच्छी लगी वो अच्छा कहेंगे और जिन्हें बुरी लगी वो बुरा कहेंगे।
और बुरा किन्हें लगता है? जो गलत करते हैं उन्हें ही बुरा लगता है। जिन्होंने गलत किया हो उन्हें बात बुरी लग जाएगी, और जिन्होंने अच्छा ही किया हो उन्हें वो बातें अच्छी लग जाएंगी। इसलिए ब्रह्मा जी ने जैसे ही सनत कुमारों को प्रकट किया, सनत कुमारों ने कहा हमारा काम ये नहीं है, हमारा काम भगवान का भजन करना है। चले गए भगवान का भजन करने के लिए। ब्रह्मा जी परेशान हो गए, नारद आए, नारद जी वीणा बजाते बजाते चले गए, परेशान हो गए क्या करें। तो ब्रह्मा जी के मन में आया एक स्त्री और एक पुरुष को जन्म दे, और जन्म दे दिया मनु और शत्रुपा को। मनु शत्रुपा का प्राकट्य किया ब्रह्मा जी ने, कहा जाओ सृष्टि के क्रम को बढ़ाओ। मनु शत्रुपा ने कहा सृष्टि कहाँ है? ब्रह्मा जी ने आंख बंद किया तो देखा प्रलय कालीन जल में डूबी हुई है सृष्टि। हिरणाक्ष नाम का दैत्य ने बंदी बना रखा है सृष्टि को, अपने अधीन कर रखा है। परीक्षित ने कहा गुरुदेव ये हिरणाक्ष कहां से आ गया, आपने तो नहीं बताया, अभी तो सृष्टि का निर्माण भी नहीं हुआ, कौन है हिरणाक्ष, कहां से आ गया? तो कहने लग गए आ गया सनत कुमार। जब गए ना ये कहकर हम भगवान का भजन करते हैं तो भगवान के दरवाजे, और भगवान के दरवाजे दो द्वारपाल थे, नाम छिलेन तिनाधिर जय और विजय। जय और विजय नाम के ये दो द्वारपाल भगवान के। सनत कुमार गए और जाकर के कहने लग गए हमको भगवान का दर्शन करना है। जय विजय ने सोचा ये छोटे छोटे बालक हैं, इन्हें कौन जानता है, भगवान को परेशान करने आए हैं ये लोग। तो क्या कह दिया, नहीं अभी भगवान विश्राम कर रहे हैं, बाद में आना। जय और विजय दरवाजे ही रह गए, कहीं नहीं गए, टिके रह गए दरवाजे में, हम कहीं नहीं जाएंगे, देखते। थोड़ी देर रुके फिर कहने लगे भगवान से मिलाओ। अरे कहा ना भगवान नहीं है अभी विश्राम कर रहे, और थोड़ा जोर का बोल दिया, थोड़ा और सहन किया, थोड़ी देर और बैठे, कहने लगे देखो हम भगवान के भक्त हैं, भगवान का दर्शन करने आए, भगवान से मिलने आए, और आप हमें भगवान के दर्शन से रोक रहे हो। तो जय विजय ने कहा क्यों ना रोके, हम द्वारपाल हैं, हमारी मर्जी के बगैर कोई काम नहीं होता है, हमारी मर्जी के बगैर हम किसी को नहीं मिलने देंगे। और जोर शोर से जहां कहा जय विजय को तो संत कुमारों ने श्राप ही दे दिया, अरे मूरख है तू, भगवान का दर्शन करने से भक्त को रोक रहा है, इसलिए जाओ हम संत कुमार तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम अति शीघ्र मृत्यु लोक में चले जाओगे, तुम्हारी प्रकृति प्रवृत्ति राक्षसों जैसी है, राव राक्षस बन जाओगे, एक बार नहीं दो बार नहीं तीन तीन बार तुम्हें राक्षस योनि पर जाना होगा, तुम्हारी गति मति भगवान के द्वारपाल बनने योग्य नहीं है। जैसे ही श्राप दिया भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने कहा अरे अरे ये सनत कुमार शांत हो जाओ, ये हमारे प्रिय द्वारपाल हैं, बिना द्वारपाल के हमारे वैकुंठ की रक्षा कौन करेगा, आपने तो श्राप दे दिया इन्हें। सनत कुमारों ने कहा कोई बात नहीं प्रभु, हमने श्राप दिया है और आपका काम है श्राप से मुक्त करना, ये जब जब राक्षस बनेंगे तब तब आप इनका वध करके इनको सदगति प्रदान करना, ये पुनः परम पवित्र हो करके आपके द्वारपाल भी बन जाएंगे। तब भगवान ने निश्चय किया कि मैं अपने प्रिय द्वारपालों की मुक्ति के लिए ये तीन बार असुर योनि में जन्म लेंगे, तो इनको मारने के लिए हम चार बार आएंगे। वो जय और विजय हिरणाक्ष और हिरणाकश्यपु बन गए। परीक्षित, हिरणाक्ष ने बंदी बनाया धरती को, ब्रह्मा जी व्याकुल हो गए मनु शत्रुपा को कैसे धरती दें। तो व्याकुल ब्रह्मा जी के नासिका से तिनका निकला, और निकलते ही वो तिनका भयानक विशाल रूप धारण कर लिया,
चतुर्भुज रूप धारण किए शंख चक्र गदा पद्म भगवान नारायण वराह अवतार रूप धारण कर लिए। सुकर सा मुख बड़े बड़े दो भयानक दांत भगवान के और स्वर जैसा मस्तक धारण करके भगवान वो जल के भीतर समा गए। आवाज लगाई हिरणाक्ष पृथ्वी को मुक्त करते अन्यथा मैं तेरा वध कर दूंगा। नहीं सुना हिरणाक्ष ने और माना मैं पृथ्वी का स्वामी हूँ मेरे अधीन है पृथ्वी। किया भगवान से युद्ध और भगवान ने जोरदार गदा प्रहार किया और हिरणाक्ष का उद्धार करके अपने मुखार मंडल के ऊपर निकले दो दांतों पर धरती को विराजमान करके मुक्त किया धरती माता को। भगवान बाहर लेकर के आए पृथ्वी को भगवान ब्रह्मा जी के समक्ष भगवान ने पृथ्वी को दी। मनु और शत्रुपा को प्रथम मनु स्थापित कर दिया और कहा आप जाएं सृष्टि के क्रम को आगे बढ़ाएं संतति चक्र को आगे बढ़ाएं। मनु और शत्रुपा सृष्टि के क्रम को आगे बढ़ाने लग गए। तीन कन्याएं और दो पुत्र हुए मनु महाराज के। तीन कन्याएं देवहूति आकुति प्रसूति नाम की तीन कन्याएं। प्रियव्रत तानपाद नाम के दो पुत्र हो गए मनु महाराज के। देवभूति हाँ तो देवभूति का विवाह मनु महाराज ने करदम ऋषि से कर दिया। परीक्षित ने कहा ये करदम कौन है? कहने लग गए ये करदम महर्षि हैं, परम ज्ञानी परम भागवत। भगवान की श्रद्धा पर भगवान की भक्ति पर लीन है, तपस्या कर रहे हैं वन में करदम मुनि। और तपस्या करते करते करदम मुनि भगवान को प्राप्त हो गए। भगवान प्रकट हो गए करदम के समक्ष और करदम के समक्ष भगवान प्रकट हुए तो करदम ने कहा प्रभु आप मुझे अपने चरण कमलों का धाम प्रदान करें। भगवान ने कहा करदम अभी ये काम नहीं है, अभी तो गृहस्थ आश्रम में जाना है तुम्हें। करदम ने कहा गृहस्थ आश्रम? हाँ तुम्हें गृहस्थ आश्रम में। करदम कहने लग गए प्रभु मैं गृहस्थ आश्रम में जाऊंगा तो फंस जाऊंगा। क्यों? ये गृहस्थ आश्रम जंजाल है, विवाह करो फिर संतान करो फिर उनका पालन करो फिर उनका विवाह करो फिर उनके नाते पोतों को संभालो और ऐसे करते 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 मैं तो माया के बंधन में फंस जाऊंगा और माया में ही फंसा रह जाऊंगा और बार बार फिर मुझे इसी चक्कर में आना होगा, इसलिए प्रभु मैं शादी नहीं करने वाला। भगवान ने कहा तुम मेरी अवहेलना कर रहे हो, विवाह कर लो मैं, यह मेरी इच्छा है। तो करदम ने कहा एक ही शर्त पर विवाह करूंगा। प्रभु शर्त यह है कि आपको मेरे यहां पुत्र बन करके आना होगा। पुत्र बन के? हाँ यदि मैं मोह में भी फंस गया तो आपका दर्शन करके मेरा मोह खत्म हो जाया करेगा। प्रभु ध्यान रखना जिस दिन आप मेरे यहां पुत्र बन करके आ जाओगे उसी दिन मैं घर का त्याग करके बाहर जंगल में वास करने लगूंगा, मैं संन्यास आश्रम की तरफ चला जाऊंगा। भगवान ने करदम को आशीर्वाद दिया। मनु महाराज की पुत्री देवहूति के साथ करदम ऋषि का विवाह हुआ। देवहूति को पता चला कि करदम से प्रकट होने वाले प्रथम पुत्र के रूप में भगवान आएंगे और भगवान के आते ही करदम ऋषि घर को छोड़कर चले जाएंगे तो देवहूति बड़ी दुखी हो गई। और दुख के कारण देवहूति ने निश्चय किया कि मैं पुत्र को तो जन्म ही नहीं दूंगी, क्योंकि भगवान ने पुत्र की बात कही, पुत्र नहीं होगा। हाँ पुत्र नहीं पुत्री होगी, इसलिए देवहूति के गर्भ से पहली पुत्री का जन्म हो गया। करदम नहीं जा पाए अपने दिए गए संकल्प के अनुसार, दूसरा गर्भ धारण किया देवहूति ने तो फिर से कहा पुत्र नहीं पुत्री होनी चाहिए और देवहूति के गर्भ से दूसरी भी पुत्री का जन्म हुआ।
तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं और क्रमशः नौ पुत्रियों को जन्म दिया माता देवहूति ने। ऋषि कर्दम ने कहा, देवी ये सब श्रेष्ठ कन्याएं हैं, नौ कन्याएं आपकी हो गई हैं, आप भगवान के अवतरण का मार्ग अपनाएं। भगवान ने वचन दिया है, आप सृष्टि के मोह पर फंस रही हैं, अंतोगता ये शरीर नाशवान है, नष्ट हो जाएगा, वृद्धावस्था की तरफ चला जाएगा, भगवान का दिया वरदान विफल नहीं हो सकता है, इसलिए समझें आप देवी, भगवान का ध्यान करें। और दसम गर्भ देवहूति ने धारण किया, भगवान विष्णुपति का स्मरण किया और दसम गर्भ के रूप में भगवान वहां कपिल देव के रूप में प्रकट हो गए। बोले कपिल देव भगवान की जय। भगवान कपिला अवतार के रूप में प्रकट हुए, कर्दम घर को छोड़ करके जाने लग गए तो देवहूति रोदन करने लग गई, छोटी छोटी बेटियों को छोड़कर जा रहे हैं आप, बेटियों का धर्म पिता का ये होता है कि वो कन्या दान करें, योग्य पति को उन्हें वर खोजें, उनका विवाह करें, उन्हें योग्य वर को दे करके वो उन्हें विदा करें, आप इस कर्तव्य से भाग रहे हैं, विमुख हो रहे हैं। यदि आपने बेटी का कन्यादान न किया तो भजन करके आपको फायदा क्या होगा, आप भगवान को प्राप्त हो भी जाएंगे तो भी मुक्ति के मार्ग की तरफ न जाएंगे, इसलिए आप बेटियों का कन्यादान करें। तो देवहूति के कहने पर ऋषि कर्दम ने अपनी नवो कन्याओं का कन्यादान श्रेष्ठ ऋषियों के साथ किया, जिसमें अत्रि आदि ऋषि हुए। दूसरी मनु महाराज की पुत्री हुई आकुति, जिनका विवाह रुचि नाम के प्रजापति के साथ हुआ, उनसे दो पुत्र हुए यज्ञ और दान। तीसरी कन्या हुई प्रसूति, जिनका विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। किसके साथ हुआ? कल कौन सा बार है और कल कौन सी रात्रि है? कौन सी रात्रि? थोड़ा जोर से बोलो, व्रत करते हो? कौन सा वाला? खाकर बिना खाए, खाने वाला या बिना खाने वाला? कल शिवरात्रि है, भगवान की वो रात्रि जिस रात्रि पर भगवान का भजन करने वाले को श्रेष्ठ फल मिलता है। और सुनो, भागवत की कथा तो कल होगी होगी, लेकिन कल मैं शिवरात्रि व्रत की विशेष कथा आप लोगों को कथा पांडाल में सुनाऊंगा, जिस कथा को सुनने से शिवरात्रि का फल प्राप्त होता है, इसलिए कल सबको ही आना और लोगों को पकड़ के लाना, दो फायदा हो रहा है इस पर। दक्ष प्रजापति के साथ प्रसूति का विवाह हुआ, 60 कन्याएं हुई, जिन कन्याओं में सती आदि भी उनकी कन्याएं हुई। विवाह हुआ भगवान शिव के साथ, हुआ भगवान शिव का अपमान, दक्ष ने कर दिया भगवान शिव को दिया श्राप, आपको यज्ञ आदि पर आमंत्रण, आपको यज्ञ का भाग प्राप्त नहीं होगा। भगवान चले गए हिमालय पर, सती को माइके का मोह सताने लग गया, प्रेम होता है माताओं को माइके से, और माइके का मोह सताया, अवहेलना कर दी अपनी पति की। जानते हो, जो अपने पति की अवहेलना करता है और माइके का पक्ष लेता है वो पत्नी सुखी नहीं होती है, और पक्ष ले लिया अपने माइके का, अवहेलना की भगवान शिव का। क्या दक्ष ने यज्ञ किया तो सती कहती, जरूर आपकी कुछ गड़बड़ी हुई होगी, हमारे पिता तो ठीक ही हैं, हमारे पिता की कोई गड़बड़ी नहीं, और झगड़ा आपसे है, मैं तो जा ही सकती हूँ, मुझे कौन रोकेगा, मैं तो जा रही हूँ। और गई सती,
हुआ भगवान शिव का घोर अपमान, परिणाम सती को देह त्यागना पड़ा। गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, सती मरते हर शन वरु मांगा, सती मरते हर शन वरु मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। तेहि कारण हिम गिरि गृह जाए, तेहि कारण हिम गिरि गृह जाए, तेहि कारण हिम गिरि गृह जाए, जन्मी पावे वती तन उपाय, जन्मी पावे वती तन पाय, तेहि कारण हिमगिरि गृह जाई, जन्मी पार्वती तन उपाई। सती ने भगवान शिव का अपमान सहन नहीं किया, शरीर छूट गया सती का, जन्म हुआ पार्वती के रूप में हिमालय राज के यहाँ। आज जिला परिषद सूरज मंडल जी, आरएसएस के मंडल प्रमुख घनश्याम मंडल जी दोनों आए हैं, वो मंच पे आ जाएं और आशीर्वाद भी प्राप्त कर लें। एक बार जोरदार ताली के साथ सूरज मंडल जी और घनश्याम मंडल जी का। जन्मी पार्वती तनु पाई, जन्म हुआ पार्वती के रूप में। इसलिए कल इस कथा को आज नहीं प्रकाश डालेंगे, कल डालेंगे शिवरात्रि की कथा को, ठीक है ना। और कल तो भगवान का जन्म भी होगा, चौथा दिन है ना कल, तो बड़ी जल्दी दिन बीत गया, यहां तो चौथा दिन लग गया। कल तो भगवान कृष्ण का जन्म भी होगा। परीक्षित को भगवान सुखदेव जी महाराज कहते हैं, मनु के चौथे पुत्र हुए प्रियव्रत। विवाह करने से मना कर दिया, वो तपस्या करने लग गए, उत्तानपाद राजा हुए। राजा उत्तानपाद ने पहली विवाह की सुरुचि सुनीति से, और नीति सुंदर नहीं थी, अच्छी नहीं थी। राजा को कैसी पत्नी चाहिए जो सुंदर दिखे, अच्छी हो, श्रेष्ठ हो। दूसरा, नीति से संतान नहीं हो रही थी। राजा ने त्याग कर दिया सुनीति का, और सुनीति का जब त्याग किया तो विवाह कर लिया सुरुचि से। सुरुचि से विवाह कर लिया, और सुरुचि से विवाह किया तो सुरुचि आई, देखी ये कौन है।
तो कहने लग गई मेरी पहली पत्नी है, नाम सुनीति है। कहने लग गई नहीं नहीं देखो महाराज, रुचि रहेगी तो नीति नहीं रहेगी और नीति रहेगी तो रुचि नहीं रहेगी, सत्य ही है ना। नीति होने से रुचि नहीं चलती है और रुचि है तो नीति नहीं चलेगी। इसलिए या तो नीति ही चल सकती या रुचि चल सकती। रुचि है खैनी खाने में और नीति कहता है मत खाओ, तो नीति मानोगे तो रुचि तो गई और रुचि मानोगे तो नीति गई। इसलिए एक ही रह सकता है, एक ही रह सकती महाराज, या तो आप रुचि को रखो या नीति को रखो। महाराज ने कहा नहीं, रुचि तू ज्यादा सुंदर है, श्रेष्ठ है, मधुर बोलती है। और महाराज ने सुरुचि को रखा, नीति को घर से धक्के मारकर निकाल दिया, चली गई जंगल में। नहीं पता था महाराज को गर्भवती है सुनीति भी। नीति के गर्भ से पुत्र का जन्म हुआ, नाम पड़ा प्रहलाद, क्षमा करें ध्रुव, नाम पड़ा ध्रुव। और रुचि से भी पुत्र का जन्म हुआ, नाम पड़ा उत्तम। उत्तम और ध्रुव नाम के उत्तानपाद के दो ये पुत्र हो गए। उत्तम तो रहते हैं महल पर और ध्रुव रहते हैं जंगल पर। एक साल बीता, दो साल बीता, तीन साल बीता, चार साल बीता, पांचवा साल लग गया है। पांच साल का बालक बोलने भी जानता है, सुनने भी जानता है, थोड़ा समझने भी जानता है। लोगों ने कहा ध्रुव को, तुम जंगल में रहते हो, तुम्हारे पिताजी तो राजा हैं। माँ से जाके पूछा, माँ मेरे पिता राजा हैं क्या? माँ ने कहा सत्य है, तुम्हारे पिता राजा हैं। तो माँ तू जंगल में रहती है, पिता महल में रहते हैं, पिता महल में रहते हैं, मैं जंगल में रहती हूँ, ऐसा क्यों? माँ ने कहा देखो ये सब तो मुझे नहीं पता। माँ एक बात बता, मैं पिता से मिलने नहीं जा सकता। माँ ने कहा देख मेरे लिए एंट्री तो बंद है, मेरे लिए महल जाना बंद है, मुझे महल से निकाल दिया गया है, तुम्हारे पिता ने मेरा त्याग कर दिया है, इसलिए मैं तो नहीं। ध्रुव ने कहा मैं तो जा सकता हूं ना, और चला गया जिद लगा करके। ध्रुव छोटा है, लोगों की बात सुनी, मन में आ गई महल ऐसा है, महल ऐसा है, महल में इतनी सुंदर व्यवस्थाएं हैं, महल देखने के ख्याल से ध्रुव चल पड़ा। और गया तो पता चला वो उत्तानपाद राजा हैं, यही तुम्हारे पिता हैं। गोद पर उत्तानपाद के उत्तम नाम का पुत्र था, बगल में सुरुचि खड़ी थी। और ध्रुव चढ़ने लग गया सीढ़ी, बैठने की प्रयत्न करने लग गया उत्तानपाद के गोद पर, तो सुरुचि ने हाथ पकड़कर झटक दिया, नहीं नहीं कहां जा रहा है तू, कौन है जंगली बालक, न जाने कहां से आ गया। ध्रुव ने कहा मेरे पिता हैं ये, मैं सुनीति माँ का बेटा, छी जिसे राज्य से निकाल दिया गया हो, जो जंगल में रहती हो, जो कंदमूल खाती हो, उसका तू बेटा, गंदा दुर्गंधाती शरीर से कहां भटक रहा है महल पर। ये तेरे भले ही पिता हो सकते हैं लेकिन ये महल तेरा नहीं हो सकता है, ये पिता तेरे हो सकते हैं लेकिन ये पिता की गद्दी तेरी नहीं हो सकती है, वो माँ तेरी हो सकती है लेकिन ये माँ तेरी नहीं हो सकती, इसलिए जिसकी माँ मैं हूं वो पिता का गोद पर बैठ सकता है, जिसकी माँ मैं हूं वो पिता के सिंहासन पर बैठ सकता है, जिसकी माँ मैं हूं वो पिता का उत्तराधिकारी हो सकता है। आज पिता की गोद पर बैठेगा, कल खेलने आएगा, परसों धीरे धीरे महल पर कमरा मांगेगा, फिर दो चार दिन बाद अपनी माँ को लेकर आ जाएगा, फिर माँ का अधिकार मांगेगा, पिता के बाद फिर राज्य का उत्तराधिकारी बनेगा और फिर युद्ध करके हड़पेगा इस राज्य को, बनना चाहेगा राजा। मैं जानता हूँ तू नीच है, तेरी माँ नीच है, और नीच की बुद्धि में भली भांति जानता हूँ, बिल्कुल नहीं, निकल जा मेरे राज्य से, निकल जा इस महल से, निकल जा इस राजमहल से, न दिखना चाहिए अब तेरा चेहरा। ध्रुव कहने लग गया माँ मेरी गलती क्या है, मैंने गलत क्या किया,
तो ध्रुव को माँ सुरुचि कहती, गलती केवल इतनी है तेरा जन्म उस नीच के गर्भ से हुआ है जिसका नाम सुनीति है। यदि मेरे गर्भ से जन्म होता तो तू महल पर खेल रहा होता। अभी भी समय है, जा आत्महत्या कर ले, जा मर जा, मेरे गर्भ से जन्म ले लेगा तो महल पर खेलेगा। ध्रुव ने कहा नहीं नहीं, मेरा जन्म तो हो चुका है, तो फिर जा जंगल में रहे। नहीं, मैंने पाप क्या किया, मैंने ऐसा कौन सा गलत कर दिया, और जन्म मेरी माँ के वहां गर्भ से क्यों हुआ, आपके गर्भ से क्यों नहीं हुआ। तो सुरुचि कहने लग गई, ये सब विधान भगवान के हाथ में, भगवान ही जानते हैं। कौन है भगवान? भगवान भगवान सबको जन्म कर्म देने वाले दाता हैं, भगवान सबके भाग्य विधाता हैं, भगवान के ही हाथ में सब कुछ लिखा है। किया होगा तेरी माँ ने कोई गलत काम, किया होगा तुमने कोई गलत काम। रोते रोते ध्रुव अपनी माँ के पास आया, माँ मैंने गलत किया, तुमने गलत किया, मैंने कौन सा पाप किया जो तेरे गर्भ से जन्म हुआ, ऐसा कौन सा पुण्य नहीं किया जो सुरुचि मैया के गर्भ से जन्म नहीं हुआ। वो कहती नहीं बैठ सकते तो पिता की गोद पर, माँ मैं इतना कुलीन हूँ। माँ कहने लग गई, देख माँ कभी गलत नहीं कहती, उसने सत्य ही तो कहा है, ये भाग्य कर्म फल का दाता भगवान है, और तेरी माँ तो भगवान की भक्ति के लिए प्रेरित कर रही है। माँ भगवान कौन है ये? सुरुचि कहने सुनीति कहने लग गई, मुझे पता तो नहीं, बस साधु जंगल में जाते हैं भगवान को खोजने, और दौड़ कर निकल गया भगवान को खोजने ध्रुव। ऐसे मिलते हैं भगवान, उद्यम करना पड़ता है, तप करना पड़ता है, अपने आप को तपाना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है मोह माया को, और त्यागना पड़ता है संसार के साधनों को। भगवान की प्राप्ति का प्रथम सूत्र त्याग है। ध्रुव ने त्यागा परिवार को, जंगल पर भटकने लग गए, और बिना मंत्र के भगवान कैसे, बिना गुरु के मार्गदर्शन के भगवान नहीं मिल सकते हैं, कौन दिखाएगा मार्गदर्शन। भटकने लग गए जंगल पर, भगवान 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 कहाँ है, कौन है भगवान। भगवान ने देखा, नारद जी को कहा, नारद देख मेरा भक्त है ये, छोटा बालक है, 5 साल की उम्र है, मुझे प्राप्ति के लिए कितना प्रयत्न कर रहा है, इसलिए मुझे दया आ रही है इसके ऊपर, तुम चले जाओ, जाकर के इसे मंत्र दीक्षा दे दो। भगवान के कहने पर नारद जी आए, और नारद जी ध्रुव को कहने लग गए, क्या कर रहे हो जंगल पे, क्या नाम है तुम्हारा। ध्रुव ने कहा मेरा नाम ध्रुव, तुम्हारी माँ सुनीति, तुम्हारे पिता उत्तानपाद। अरे तो चक्रवर्ती राजा उत्तानपाद का पुत्र ध्रुव जंगल पर भटक रहा है। ध्रुव कहने लग गया, हाँ नियति यही चाहती है, मैं भगवान को खोज रहा हूं, क्यों, भगवान से पूछना चाहता हूं मैं पिता का राज्य क्यों नहीं पा सकता। नारद कहने लगे, अरे भगवान को खोजने का काम तो साधु महात्माओं का है, तो क्षत्रिय है, और क्षत्रियों को राजपाट लेने के लिए युद्ध करना पड़ता है, युद्ध कर तू, अस्त्र शस्त्र उठा, अपनी भुजाओं का पराक्रम बढ़ा, अपने पिता को परास्त कर और राज्य की प्राप्त कर ले। ध्रुव कहने लगा, नहीं मेरी माँ ने मुझे कहा है भगवान बताएंगे तुम्हारा कर्म क्या हुआ, युद्ध के लिए माने नहीं का भगवान, इसलिए जानते हो माओं को अपने पुत्रों को दिव्य संस्कार भी देना चाहिए, क्योंकि प्रथम गुरु माँ, पहली गुरु माँ होती है, और बालक बिगड़ जाता है तो माताएं कहती मेरी मेरा बेटा बात नहीं मानता, बिगाड़ा तो तुम्हारी। बालक जब छोटा होता है तो बोलते हैं देखो मारो, तो बच्चा छोटा है 1 साल का है, फिर मारेगा, और मारेगा तो वो फिर हंसोगे, इधर मारो, उस समय तो लगा नहीं, उस समय तो आनंद से इधर मारो उधर मारो, उसको मारो इसको मारो, और जब तुम बूढ़े हो जाओगे यही तुम्हारा सिखाया मार बुढ़ापे में पड़ेगा तो रोगे, ये संस्कार पड़ता है बालक का, इसलिए संस्कार बहुत जरूरी है। मुझे गर्व होता है अपनी माँ के ऊपर, मैं जब गर्भ पर था तो मेरी माँ ने श्रीमद् भागवत की कथा सुनी,
मैं जब गर्भ पर था तो मेरी माँ ने रामचरितमानस सुना, मैं जब गर्भ पर था तो मेरी माँ वृंदावन की परिक्रमा लगाती थी, और परिणाम मैं साधु हो गया। जरूरी नहीं कि सब साधु हो जाएं, लेकिन गर्भ से भी बालक को संस्कार मिलता है। इसलिए आजकल के डॉक्टर जब कहते हैं अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट आ गया कि बालक होने वाला है, तो कहते हैं घर में बच्चों की सुंदर सुंदर फोटो लगा दो। क्यों? बच्चा सुंदर होगा। तो जब दृष्टि पाने से बालक सुंदर हो सकता है, तो सुंदर माहौल बनाने से बालक और सुंदर हो सकता है। सुंदर संस्कार का आचरण करने से बालक सुंदर आचरण वाला हो सकता है। इसका परिचय प्रहलाद है, इसका परिचय अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु है, और प्रत्यक्ष परिचय मैं स्वयं हूं। कलयुग का आपके सामने बैठा हूं, मेरी मां ने सुना भागवत, किया श्रेष्ठ कर्म। इसलिए जब बालक गर्भ में हो तो अच्छा काम करना चाहिए, घर में झगड़ा झमेला झंझट नहीं होना चाहिए, श्रेष्ठ भोजन करना चाहिए। और वो आत्मदेव जी की कथा पहले दिन कही थी ना, दिया था फल तो कहा था 9 महीने तक दिव्य व्रत करना, अपवित्र आहार न खाना, बासी भोजन न करना, श्रेष्ठ भोजन करना, भगवान का भजन करना, और उस फल का परिणाम गौकर्ण जी हुए। इसलिए गर्भ में बालक संस्कारी होता है। मां प्रथम बालक की गुरु होती है, इसलिए बालक आंख खोलता है तो सबसे पहले किसको देखता है? किसको? मां को। जन्म लेने वाला बालक सबसे पहले मां को देखता है, इसलिए सबसे पहले पहचानता किसको है? मां को। सबसे पहला शब्द क्या बोलता है? मां। इसलिए मां गुरु होती है अपने बालक की, और समस्त माताओं का कर्तव्य होता है अपने बालक को संस्कार दें। ध्रुव कहने लगे मेरी मां ने मना किया है, इसलिए मैं नहीं करूंगा ये युद्ध। नारद जी समझ गए, मंत्र दीक्षा दे दी। क्या? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ध्रुव इस द्वादश अक्षर मंत्र का जाप कर, निसंदेह भगवान तुझे दर्शन देने आएंगे, दिव्य व्रत को धारण कर। ध्रुव ने भी संकल्प धारण कर लिया, मुझे व्रत करना है, जप करना है, तप करना है, मैं भगवान को प्राप्त होऊंगा। पहला महीना ध्रुव भगवान का भजन करने लगा, और भगवान का भजन करते करते ध्रुव ने 3-3 दिन में तो केवल बैर कंदमूल खाए। 1 महीना पूरा हो गया, भगवान का दर्शन नहीं हुआ। 2 महीना लग गया। ध्रुव ने सोचा ये बैर कंदमूल को भी त्याग देना चाहिए, भगवान नहीं आने वाले, नहीं तो बैर कंदमूल को 2 महीने में छोड़ दिया। ध्रुव ने 6-6 दिन के बाद केवल सूखे घास खाना शुरू कर दिया। फिर भी भगवान नहीं आए तो 3 महीने में ध्रुव ने घास को छोड़ दिया, केवल जल पीने लग गए 9-9 दिन के बाद। फिर भी भगवान नहीं आए तो 4 महीने में जल को छोड़ दिया, 12-12 दिन बाद खाली वायु का पान करने लग गए। और जानते हो फिर भी भगवान नहीं आए तो 5वें महीने में ध्रुव ने निश्चय किया, अब तो मैं वायु भी नहीं पान करूंगा। लगता है यदि भगवान दर्शन नहीं देंगे तो यह शरीर बेकार है, मुझे मर जाना ही श्रेष्ठ है। इस शरीर को यदि भगवान न दर्शन दे तो जीवन व्यर्थ है। ध्रुव ने नेत्र बंद कर लिया, श्वासों को त्याग दिया। ध्रुव ने 1 पैर पर खड़े हो गए, दोनों हाथ ध्रुव ने ऊपर की तरफ कर लिए। नेत्र बंद करके ध्रुव ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करने लग गए। चतुर्भुज रूप नारायण भगवान की प्रतिमा अपने हृदय पर धारण की, और केवल ध्रुव ने अपनी वायु नहीं रोकी,
ध्रुव के वायु वेग रोकने से देवराज इंद्र की वायु संकट पर आ गई, देवों की वायु और कुबेर आदि घबराने लग गए, देवता भयभीत होने लग गए, पशु पक्षी और गंधर्व मानव समस्त सृष्टि में हाहाकार मच गया। वायु की गति पवन देव स्वयं अपने प्राणों के संकट पर आ गए, चारों तरफ हवा चलने बंद हो गई, हवा नहीं है चूंकि ध्रुव ने पवन का त्याग कर दिया है। देवता गए भगवान के पास, प्रभु आपका भक्त घोर तप कर रहा है, वायु का त्याग कर दिया, नहीं उसने तो वायु को ही बंदी बना लिया और बिन वायु कौन जी सकता है, न हम जी सकते हैं, न मनुष्य जी सकते हैं, न दानव जी सकते हैं, और जब हम सब कोई रहेंगे ही नहीं तो सृष्टि का अंत हो जाएगा, प्रभु जाओ ध्रुव को दर्शन दो अन्यथा प्रलय हो जाएगी इस धरती पर। भगवान कहने लग गए, देख लिया ये अटल भक्त है हमारा जो मेरी भक्ति कर रहा है, चलो देवताओं ध्रुव का दर्शन करने। भगवान बैठ गए गरुड़ के ऊपर और भगवान शंख चक्र गदा पद्म लेकर के ध्रुव के समक्ष प्रकट हो गए। बोलिए चतुर्भुज नारायण भगवान की। आज भगवान ध्रुव के समक्ष प्रकट हो गए, नेत्र बंद किया हुआ ध्रुव, भगवान ने देखा मैं बाहर खड़ा हूँ फिर भी मुझे देख नहीं रहा है, क्यों? क्योंकि भगवान ध्रुव के हृदय पर जागे हुए हैं, नेत्र के भीतर भगवान ने झांका तो भगवान ने अंतर ध्यान कर दी ध्रुव के हृदय में बैठी हुई वो नारायण चतुर्भुज रूपी प्रतिमा को। घबरा करके ध्रुव ने नेत्र को खोला तो देखा जिस प्रतिमा का ध्यान कर रहा था वही प्रतिमा तो सामने है। चरणों पर गिर गए भगवान के ध्रुव, हृदय से लगा लिया भगवान ने, कहा 36,000 वर्ष तक राजा रहोगे ध्रुव तुम। रोने लग गया ध्रुव, भगवान ने कहा चिंता मत करो, रो मत, 36,000 वर्ष के बाद तुम्हें वो परम गति सदगति को तुम प्राप्त होगे, तुम्हारे पिता द्वारा दिए गए ज्ञान से सप्तऋषियों से भी ऊंचा स्थान उत्तर दिशा में ध्रुव लोक तुम्हें प्राप्त होगा, चिंता मत करो। नारद जी ने उत्तानपाद को समस्त कथा बता दी थी पूर्व में भगवान के दर्शन की। उत्तानपाद राजा पुष्पों की माला लेकर दरवाजे खड़े हैं अपने पुत्र के स्वागत के लिए, ध्रुव पहुंचे हैं, राज्याभिषेक हो गया ध्रुव का। ध्रुव का छोटा भाई उत्तम यक्ष कुमारों ने युद्ध किया, उत्तम का वध हुआ, यक्ष संहार करने लग गए, ध्रुव 36,000 वर्ष तक शासन किया, और जब यक्षों का संहार करने लग गए तो कुबेर आदि मनु महाराज आदि आकर के समझाने लग गए कि साधु को युद्ध नहीं शोभा देता है। तब ध्रुव को ध्यान आया मैं 36,000 वर्ष तक के लिए राजा था, मुझे भगवान का भजन करना चाहिए, और ध्रुव भगवान का भजन करके उत्तर दिशा में सदा सर्वदा के लिए अमर हो गए। ऐसे श्री ध्रुव जी का चरित्र, ध्रुव के पुत्र हुए उत्कल, उत्कल के पुत्र हुए अंग, अंग के पुत्र हुए बेन, और बेन पापी हुआ तो भगवान बेन की भुजा से प्रकट हुए नाम पड़ा पृथु, और दूसरी भुजा से हुई अर्ची, पृथु और अर्ची हुए, पृथु के पुत्र हुए अंतरध्यान, अंतरध्यान के पुत्र हरिध्यान, हरिध्यान के पुत्र प्राचीर्यवरी, प्राचीर्यवरी के पुत्र प्रचेतागण हुए, और फिर उनके पुत्र हुए दक्ष। ये बड़ी कथा है, तीसरे दिन की कथा में वंशावली होती है। परीक्षित ने कहा वो प्रियव्रत जी तपस्या कर रहे थे उनका क्या हुआ? कहने लग गए प्रियव्रत जी तपस्या कर रहे थे उनका, उनका तो उद्धार ही हो गया। क्या उद्धार हुआ? तो एक बहुत सुंदर भजन विद्वान लोग गाया करते हैं इसलिए उद्धार हो जाता है। दरबार में बंसी वाले के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दरबार में बंसी वाले के दुख दर्द मिटाए जाते हैं,
वाले के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में बंसी वाले के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ, क्या हुआ तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं ये भक्तों की महफिल है, ये महफिल है दीवानों की, ये महफिल है दीवानों की। हर शख्स यहाँ पर मतवाला, हर शख्स यहाँ पर मतवाला, हर के प्याले अमृत के, भर भर के प्याले अमृत के, भर भर के प्याले अमृत के, भर भर के प्याले अमृत के। यहाँ सबको पिलाए झुकाने से मत घबरा।
मत घबराओ हे जग वालों, मत घबराओ हे जग वालों, इस दर पर शीश झुकाने से, इस दर पर शीश झुकाने से, हे नादानो इस दर पर तो, चरणों पर सर रखकर ताली पर आओ। अब ताली तो बजा नहीं रहे आप लोग, सर रख कर ताली पर आओ, 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 हर्षत हो जिन्हें कुछ पाने की, हर सत हो जिन्हें कुछ पाने की, इस ईश्वर को पाने के लिए, इस ईश्वर को पाने के लिए, इस ईश्वर को पाने के लिए, इस ईश्वर को पाने के, कुछ कष्ट उठाए जाते हैं, इस ईश्वर को पाने के लिए कुछ कष्ट उठाए जाते हैं, दरबार में बंसी वाले के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दरबार में बंसी वाले के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दुनिया के सताए लोग मिटाए जाते हैं, दुख दर्द मिटाए
इस ईश्वर को पाने के लिए कुछ कष्ट उठाए जाते हैं। तो कहने लग गए, प्रियव्रत ने तप किया तो भगवान ने कहा हम विवाह हुआ नहीं करेंगे। काहे? तो कहने लग गई ये शादी तो झमेला है, शादी करने से योग्य पत्नी की आवश्यकता होनी चाहिए और पत्नी योग्य ना हो तो दिक्कत। अच्छा योग्य पत्नी का है, पतियों तो योग्य चाहिए, खाली पत्नी योग्य चाहिए और पति बेवकूफ हो तो। एक बार भोला जी एक पति महा बेवकूफ और चला गया ससुराल, बेंधई में था उसका ससुराल और ससुराल चला गया। सालियों ने कहा क्यों दीदी, जीजा जी आए हमें नहीं मिलाओगे, बड़ी बड़ाई करती हूँ, बड़े बुद्धिमान हैं, बड़े तेज हैं, बड़े बुद्धि वाले हैं। अब दीदी सोचे हमें का पता जे भट्ट गवार है, इसे कुछ नहीं आता। सो बहनों के सामने खूब कहती थी ये तो बड़ा बहुत विद्वान बहुत अच्छे हैं। सालियों से मिलाया तो साली ने कहा दीदी ये कुछ कहता क्यों नहीं है, जीजा जी कुछ आप कहते क्यों नहीं हो। अब दीदी इशारा करे मुंह बंद रखना कहना नहीं, चूंकि कहने से पता चल जाएगा गांव का गंवार है, कुछ कहा नहीं। सो भोजन की बारी आई तो भोजन परसने लग गई। अब भोजन तो भोजन में पूरी सब्जी आई, अब पूरी सब्जी भोजन में आई थाली लग गई। सो थाली जैसे ही लगी तो चूल्हे में बैठ करके उसकी पत्नी इशारे में एक पूड़ी उठाई और एक पूड़ी उठा करके उसमें सब्जी लगाई और सब्जी लगाकर माथे में लगाकर इशारा करके बताया हमारे यहाँ भोजन आने से पहले पूजा करते हैं, प्रसाद निकालते फिर खाते। अब उसने सोचा पत्नी इशारा कर रही, सालियों के सामने एक पूड़ी से कम ना खाना और उसके ऊपर सब्जी रख के खाना। तो जीजा जी तो पूड़ी उठाए, सब्जी रखे, माथे से लगाए और पूड़ी पूड़ी गप कर जाए। सालियों ने कहा क्यों दीदी ऐसे जीजा है, गजब आपके पति देव तो गजब ही है। पत्नी ने फिर इशारा किया भैया एक न खाओ, अब भोग न लगाया तो तोड़ कर खाओ। तो पत्नी बिचारी एक पूड़ी उठाए और बीच से तोड़े कि एक नहीं दो एक तोड़ के खाओ और तोड़कर फिर सब्जी में लगाए और फिर मुंह की तरफ दिखाए। अब दूर से दिखाया कि ऐसे उठाया तोड़कर खाओ, अब बेचारा पति भी पूड़ी उठाए सालियों ने कहा ये दिखा दिखा के खा रहा है। तो पत्नी ने माथा ठोक लिया, तो पति ने सोचा यहां ऐसे खाया जाता होगा। सो पूड़ी खाए फिर माथा। तो योग्य तो भैया दोनों ही चाहिए, पत्नी भी योग्य होए और पतियों योग्य होना चाहिए, अन्यथा बड़ी समस्या आ जाती। प्रियव्रत जी महाराज ने कहा पत्नी योग्य होनी चाहिए। भगवान ने कहा आपको भगवान विश्वकर्मा की पुत्री से विवाह होगा, आपके यहां हमारा जन्म होगा, आपके वंश में प्रियव्रत जी महाराज का विश्वकर्मा की पुत्री वाहिष्यमती के साथ विवाह हुआ। पुत्र हुए आग्निद्र, आग्निद्र के पुत्र हुए नाभिक और नाभिक के पुत्र भगवान नारायण स्वयं ऋषभ देव बन करके आ गए। बोलिए ऋषभ देव भगवान की जय। भगवान ऋषभ देव बन करके आए और कथा तो देखो बहुत बड़ी है, क्योंकि आज तो हमने आपका टाइम एक डेढ़ घंटे खा लिया, गायब कर गए।
अब उसके लिए तो हम क्षमा ही मांगते हैं, कथा बहुत बड़ी। ऋषभ देव के 100 पुत्र हुए, बड़े पुत्र का नाम भरत हुआ, और भरत की कथा पिछले बार मैंने कही थी, याद है? वो हिरण की कथा। गए हिरण को जंगल में देखा, आश्रम ले आए, मन हिरण में लग गया। मरने के समय हिरण का ध्यान हुआ तो जन्म हिरण योनि में चला गया। इसलिए अंतिम समय में जैसा ध्यान करोगे वैसी गति बन जाती है। अंतिम समय में अच्छा ध्यान करना चाहिए, श्रेष्ठ ध्यान करना चाहिए, और यदि श्रेष्ठ ध्यान अंतिम समय में ना हो तो अच्छा नहीं होता। इसलिए अंतिम समय में श्रेष्ठ ध्यान हो। अजामिल की कथा आई, अंतिम समय के लिए कहने लग गए परीक्षित। अंतिम समय में अजामिल ने अपने सबसे छोटे पुत्र को पुकारा। क्या पुत्र का नाम रखा था? तो कहने लग गए नारायण। छोटे पुत्र का नाम नारायण रख दिया, और नारायण रखने के कारण छोटे पुत्र से मोह हो गया। अंतिम समय में जब काल दिखाई दिया तो छोटे पुत्र को बुलाया, नारायण 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 नारायण। बुलाया तो पुत्र को, लेकिन आ गए भगवान के पार्षद। भगवान के पार्षदों ने उद्धार किया अजामिल का। इसलिए परीक्षित, अंतिम समय में भगवत चिंतन हो जाए बड़ी बात है। अंतिम समय में भगवान का चिंतन हो जाए, इसलिए महात्मा लोग एक बात कहते हैं, राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा, निर्मल मन के दर्पण में वो राम का दर्शन पाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वो राम का दर्शन पाएगा। राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा, राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा, निर्मल मन के दर्पण में वो राम का दर्शन पाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वो राम का दर्शन पाएगा। ये सत्य है, जो राम के नाम के साबुन से स्नान कर लेगा, लाइफ बॉय लक्स से बहुत नहा लिया, अब कैसे नहाना है? लगाओ लाइफ बॉय, लगाओ लक्स, और लगाओ अलग अलग ब्रांड के वो पियर्स फियर्स, लेकिन लगाते लगाते भगवान का नाम जपते रहो। शरीर शुद्ध रोज करते हो, मन शुद्धि का काम होना चाहिए। निर्मल मन के दर्पण में वो राम का दर्शन पाएगा, निर्मल मन के दर्पण में वो राम का दर्शन पाएगा। परीक्षित,
इसलिए अंतिम समय में भगवान का स्मरण होना चाहिए और प्रेम से गाओ, यही भागवत कह रही है। हर प्राणी में राम रमे है, क्षण भर तुझसे दूर नहीं। हर प्राणी में राम रमे है, क्षण भर तुझसे दूर नहीं। देख सके ना जिन आँखों में, उन आँखों में नूर नहीं। देख सके ना जिन आँखों में, उन आँखों में नूर नहीं। अरे देख सके ना जिन आँखों में, उन आँखों में नूर नहीं। देख सके ना जिन आँखों में, उन आँखों में नूर नहीं। देखेगा मन मंदिर में जो प्रेम की ज्योति जगाएगा। देखेगा जो मन मंदिर में प्रेम की ज्योति जगाएगा। राम नाम के सावन से जो मन का मैल छुड़ाएगा। राम नाम के सावन से जो मन का मैल छुड़ाएगा। निर्मल मन के दर्शन में वो राम का दर्शन पाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वो राम का दर्शन पाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वो राम का दर्शन पाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वो राम का दर्शन पाएगा। नर शरीर अनमोल रे प्राणी, प्रभु कृपा से पाया है। नर शरीर अनमोल रे प्राणी, प्रभु कृपा से पाया है। नर शरीर अनमोल प्राणी, प्रभु कृपा से पाया है। नर शरीर अनमोल है प्राणी, प्रभु कृपा से पाया है। झूठे जग प्रपंच में पढ़कर क्यों प्रभु विश्राया है। झूठे जग प्रपंच में पढ़कर क्यों प्रभु विश्राया है। जग प्रपंच में पढ़कर क्यों प्रभु विश्राया है। जग पर पंच में पढ़कर क्यों प्रभु विश्राया है। समय हाथ से निकल गया तो सिर धुन पछताएगा। समय हाथ से निकल गया तो सिर धुन धुन पछताएगा। राम नाम के साबुन से तो मन का मैल छुड़ाए। मन का मेल छुड़ाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वो राम का दर्शन पाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वो राम का दर्शन पाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वो राम का दर्शन पाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वो राम का दर्शन पाएगा। वो राम का दर्शन पाएगा। इसलिए परीक्षित अंतिम समय में भगवान का ध्यान होना चाहिए। परीक्षित ने कहा, आपने कहा था हिरणाक्ष हिरणाकश्यपु भाई भाई थे। हिरणाक्ष का वध हो गया तो हिरणाकश्यपु का क्या हुआ? तो कहने लग गए, उसने ब्रह्मा जी को तप करके प्रसन्न कर लिया, वरदान प्राप्त किया। क्या? न दिन में मरूंगा ना कब, जो जो मेरे साथ बोलेगा वो उस समय नहीं मरेगा। ना दिन में मरूंगा ना, ये देखो सब बोलने लग गए। अरे मूर्खों, मरना तो है ही है। ये तो मैं ट्राई कर रहा था कि भैया भुरखा डी वाले लोग बोलते हैं, वरदान प्राप्त किया, ना दिन में मरेंगे, ना रात में मरेंगे, ना धरती पे मरेंगे, ना आकाश पे मरेंगे, ना घर के भीतर मरूंगा, ना बाहर मरूंगा, ना अस्त्र से मरूंगा, ना शस्त्र से मरूंगा, ना देवता मारेंगे, ना दानव मारेंगे, ना 12 महीने में मेरी मृत्यु ही नहीं होगी, ब्रह्मा द्वारा बनाए गए सृष्टि में मेरा वध ही नहीं होगा। और हमारा साउंड धीरे धीरे कम हो गया। वरदान मिला
दिन रात कहीं नहीं मरने वाला। अच्छा किसी को ऐसा बोल दिया जाए ना घर के भीतर ना घर के बाहर ना धरती पर ना, वो तो यही सोचेगा हम तो अमर हो गए ना, क्यों भैया 12 महीने में मरेंगे ही नहीं, हमको तो मरना ही नहीं है। हिरण्यकश्यप को लगा हम तो अजय हो गए, अमर हो गए, हमको कोई नहीं मार सकता, हम तो विजयी हो गए, तीनों लोगों को जीत लिया। लेकिन जब तपस्या कर रहे थे तो ब्रह्मा जी वरदान देने से पहले इंद्र आया था आक्रमण करने, कयाधु के गर्भ में प्रहलाद था, मारने के लिए आए तो नारद जी आश्रम लेकर चले गए, और नारद जी के आश्रम में एक ही भजन तो होता है, क्या भजन क्या होता है, क्या थोड़ा जोर से बोलो, खाली नारायण नारायण, जो भजन करेगा उसको 100 रुपए अंतिम दिन मिलेगा, करोगे लोभ ही से कर लो और प्रेम से चलो नारायण नारायण करो, फिर भगवान की झांकी करेंगे और फिर भगवान की आरती करेंगे, तुम अपने घर हम अपने घर, खिदापद छे काल के शिवरात्रि काल के किछु हमी पावन है। श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण, सब ताली बजाओगे
आश्रम में जाकर नारायण भक्त हो गया। वरदान लिया हिरण्यकश्यपु ने, बेटे से पूछा, बेटा नारद जी के गुरुकुल से आ रहे हो, जरूर गड़बड़ हो गया होगा, क्या सीखा? बेटे ने कहा, वहां तो नारायण नारायण सीखा पिताजी। कौन है नारायण? तो नारायण जगत के स्वामी जगदीश भगवान है नारायण जी। हिरण्यकश्यपु हंसने लग गया, अरे वो मेरा दुश्मन है, तुम्हारे ताऊ का वध करने वाला है, मेरे से छुप करके बैठ गया है कहीं, इसलिए तीनों लोक का स्वामी तो मैं हूं, तुझे नहीं पता, ये देवता छलवश तुम्हें नारद जी के आश्रम भेज दिए, इसलिए जाओ तुम षंडमर्क आचार्य से असुर विद्या को सीखो। प्रहलाद को भेज दिया असुर विद्या सीखने के लिए, सब कुछ पढ़ता लेकिन मन में जो पढ़ लिया है वो कहां मिटने वाला, मन में जो पढ़ लिया है, आत्मा ने जो पढ़ लिया है, मन ने जो जान लिया है, आत्मा ने जो जाना, वो कहां जाएगा? प्रहलाद के मन से नहीं हटा। जानते हो, एक दिन षंडमर्क गुरुकुल से कहीं चले गए और भक्त प्रहलाद भगवान का ही भजन करने लग गए, और प्रहलाद अकेले भगवान का भजन नहीं कर रहे, जैसे अभी आप लोगों को करवा जाना भगवान का भजन, ऐसे ही प्रहलाद सबको लेकर के भगवान का भजन करने लग गए। षंडमर्क को सूचना गई, गुरुकुल में जो हिरण्यकश्यपु महाराज का पुत्र है वो तो सारे राक्षसों के पुत्र को नारायण भक्त बना देगा। षंडमर्क को लगा, भैया वो तो मरेगा मरेगा, हम मारे जाएंगे, इसलिए बोरे में एक आलू सड़ जाए तो वो आलू उठाकर फेंक दो। चले गए महाराज के पास लेकर, महाराज ये आपका पुत्र नहीं है, इसको विष दिया गया तब भी नहीं मरा, इसे भोजन बंद किया गया तो भी नहीं मरा, अग्नि में जलाया गया तो भी नहीं मरा, पहाड़ से फेंका गया फिर भी नहीं मरा, हमने सोचा दंड देकर पढ़ाएं फिर भी नहीं पढ़ा, ये कई चीज कहता है नारायण नारायण नारायण, और अकेले करता तो बात नहीं थी, बात थी कि आपके महल के समस्त असुर पुत्रों को नारायण भक्त बना दे रहा है, और यदि आपका पुत्र नारायण भक्त होगा तो आपका संसार से भय समाप्त हो जाएगा लोगों का, इसलिए मेरी बात माने, आप अपने पुत्र को अपने हाथों ही मार दें, उस दिन भूल हो गई थी, हमने आपको रोक दिया था, आज आप अपने हाथों ही अपने पुत्र का वध कर दें भरी सभा पर, अन्यथा न जाने ये कितने लोगों को नारायण भक्त बना देगा, आपके भय से मुक्त कर देगा। हिरण्यकश्यपु कहने लग गया, क्यों बेटा तुझे भय नहीं लगता? प्रहलाद कहने लग गया, पिताजी भय तो वो कहता है जो गलत करता है, मैंने तो कुछ गलत ही नहीं किया, मैं तो ठीक हूं, श्रेष्ठ हूं, अच्छा कर्म कर रहा हूं, मैंने क्या गलत किया, मैंने तो केवल भगवान का भजन किया, और पिताजी आप भी आओ चलो मिलकर के भगवान का भजन करते। पिता कहता है, मूर्ख मैं अपने असुर का नाम अपने 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 शत्रु का नाम लूंगा, मुझे कहता है शत्रु का भजन करने का, अरे मैं वो हूँ अजय अमर अविनाशी नित्य भगवान हूँ, मैं भगवान हिरण्यकश्यपु हूँ, मुझे कोई नहीं मार सकता, ब्रह्मा तो मर सकता है लेकिन मेरा वध कभी नहीं हो सकता, तुझे तनिक भी भय नहीं लगता, मृत्यु दंड तुझे आज दे दिया जाएगा। प्रहलाद हंसने लग गया, कहने लग गए, पिताजी मारने वाला भी तो भगवान ही होता है, बचाने वाला भी भगवान होता है, आप जब जन्म नहीं दे सकते तो मारने का अधिकार भी नहीं। हिरण्यकश्यपु ने कहा, देखते हैं कौन तुझे बचाता है, कौन आएगा बचाने के लिए। प्रहलाद कहने लग गया, बचाने के लिए आएगा? वो आता नहीं है, वो तो सभी जगह है, हमारे पास भी वो बैठा हुआ है, हमारे पास ही है, कहाँ है? तो प्रहलाद कहने लग गया, आपने मुझे जिस खंभे में बांध रखे हो उसमें मेरा भगवान, मेरे भीतर मेरा भगवान, आपके भीतर मेरा भगवान,
और कण कण में मेरा भगवान है। आप खोज रहे हो भगवान को, हृदय से पुकारो, मेरे साथ मिलकर के भगवान का नाम लोगे ना पिताजी, तो भगवान तो इतने सरल हैं कि वो फिर भी आ जाएंगे। हिरण्यकश्यप को क्रोध आया, मूरख तू मुझे भयभीत कर रहा है, वो नारायण की गुणगान गा करके, पहले मैं तेरे नारायण का वध करूंगा फिर तेरा अंत करूंगा। उठाया गदा और जिस पर प्रहलाद को बांधा था जोरदार प्रहार किया और खंभा फट गया, वहां से भगवान नरसिंह का प्राकट्य हो गया। बोले नरसिंह देव भगवान की जय हो। भगवान नरसिंह का प्राकट्य हुआ, हिरण्यकश्यप ने कहा यही तेरा भगवान है। प्रहलाद कहने लग गया हाँ पिताजी यही मेरे भगवान, मेरी रक्षा करने के लिए आए। कैसा रूप धारण किया, शरीर मनुष्य जैसा, देह पशु जैसा, कौन है तू? भगवान कहने लग गए मेरा परिचय ना ले, युद्ध कर मेरे से। उठाया भगवान ने गदा और हिरण्यकश्यप के साथ गदा युद्ध आरंभ कर दिया। भगवान ने युद्ध करते करते प्रातः काल से संध्या हो गई, जोरदार भगवान ने गदा प्रहार किया, परास्त हो गया हिरण्यकश्यप। भगवान ने हाथों पर हिरण्यकश्यप को उठाकर दरवाजे के द्वार पर लेकर चले गए, बैठा लिया अपनी जंघाओं पर हिरण्यकश्यप को और कहने लग गए अरे मूर्ख हिरण्यकश्यप, तेरे मन में ये भय भ्रांति न रह जाए, मैंने ब्रह्मदेव के वरदान का अपमान कर दिया। याद कर ब्रह्मदेव के वरदान को, तुमने कहा था न घर के भीतर न घर के बाहर, तू तो अभी घर के चौखट पर है। तूने कहा था न धरती पर न आकाश पर, तू मेरी जंघाओं पर है। तुमने कहा था न दिन न रात, अभी संध्या का समय है। तुमने कहा था न अस्त्र न शस्त्र, मैं तुझे ना खूनों से मार दूंगा। तुमने कहा था न मनुष्य न पशु, न मैं मनुष्य न पशु, मैं तो आधा मनुष्य आधा पशु। तुम न देवता न गंधर्व, मैं तो अलग हूँ, मैं नारायण हूँ। तुमने कहा था 12 महीने में मेरा वध ना हो, ये पुरुषोत्तम महीना है, ये ब्रह्मा की रचना से अलग रचना। और तुमने कहा ब्रह्मा आपकी रचना में कोई मुझे मार ना सके, मैं वो हूँ जो ब्रह्मा की रचना करता हूँ। भगवान ने ऐसा कहकर हिरण्यकश्यप के उदर को चीर दिया और उद्धार कर दिया हिरण्यकश्यप। जय जयकार तो होने लग गया, किंतु भगवान के क्रोध को कौन शांत करेगा? भयंकर क्रोध में भगवान और भीषण भगवान का क्रोध, वो नरसिंह रूप भगवान ने, न सिंह है न नर है, और भगवान की वो बड़ी बड़ी दांतों को देखकर, बड़े लाल नेत्रों को देखकर रक्त रंजित कर लिया भगवान ने अपने मुख को। चारों तरफ भय का वातावरण है, शांत करो भगवान को, अन्यथा त्राहिमाम त्राहिमाम तीनों लोक जल करके भस्म हो जाएंगे भगवान के क्रोध को। कौन शांत करे? लक्ष्मी को आगे बढ़ाया, लक्ष्मी भगवान के मुख को देखकर भयभीत हो गई, नहीं आई लक्ष्मी सामने। देवता गए, भगवान ने फुंकार मारी, देवता दूर जाकर गिरे। नारद आदि भी भयभीत हो रहे हैं भगवान के उस फुंकार से, स्वयं धरती कांप रही है। और कहा देवर्षि ने, भगवान भक्त के लिए आए हैं, प्रहलाद तुम जाओ भगवान को शांत करने। प्रहलाद गिर पड़े भगवान के चरणों पर, शांत हो गया भगवान का क्रोध और बैठा लिया भगवान ने गोद पर प्रहलाद को। चाटने लग गए, प्रेम करने लग गए और प्रहलाद को कहने लग गए प्रहलाद मैंने केवल तेरी रक्षार्थ, भक्त की रक्षार्थ मैंने यह रूप धारण किया, भयभीत ना हो मेरी गोद में आकर, ये भय हूँ नारायण, भय ना कर, आज के बाद मैं ऐसा विकराल रूप न धारण करूँगा जिससे मेरे भक्त ही भयभीत होते हों, जिससे मेरे देवता भयभीत होते हों, मेरी धर्म पत्नी लक्ष्मी भयभीत होती हों। चिंता मत कर प्रहलाद, आज के बाद ऐसा विकराल रूप मेरा न देखोगे, चिंता मत कर, तेरे पिता की मृत्यु नहीं, तेरा पिता मुक्त हो गया। और चिंता मत कर तेरे राज्य का क्या होगा, तू राजा बनेगा। और चिंता मत कर तेरे कुल में मैं अब किसी का वध करने नहीं आऊंगा, तेरे कुल में सब भगवत भक्त होंगे। ऐसा भगवान ने प्रहलाद को आशीर्वाद दिया।
बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। श्रेष्ठ भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, आप लोगों ने भगवान नरसिंह की दिव्य झांकी का दर्शन किया। आज कथा थोड़े लंबे समय तक चली, फिर भी मैंने बहुत शॉर्टकट में कथा की, क्योंकि विलंब से मैं आया, उसके लिए पुनः क्षमा प्रार्थी आप सब लोगों से। किंतु कथा का समय 5:30 बजे से ही है, आप सभी लोग कल अवश्य आएं। महाशिवरात्रि की कल कथा भी आप लोगों को हम सुनाएंगे, कल भगवान का जन्म होगा। खाली इतने ही लोग आओगे या और लोगों को लेकर के भी आओगे? अच्छा एक बात बताओ, यहाँ भुरखाड़ी वाले खाली कितने हैं? वो हाथ उठाओ जो भुरखाड़ी वाले हैं। हाय राम, बस इतने ही भुरखाड़ी में लोग हैं, बाकी लोग क्या भात दाल बना रहे हैं? सबको कथा में लेकर आओ। सबको लेकर के भगवान की कथा में आओ, कल भगवान का जन्म होगा, उत्सव होगा, और सबको नृत्य भी तो करना है कि नहीं करना है? और कल आप लोगों को हम एक बंगला भजन भी सुनाएंगे। बढ़िया, यूं तो मैं बंगला भजन नहीं सुनाता, लेकिन कल बंगला में भजन भी सुनाएंगे और खूब आनंद से आप लोगों को कृष्ण जन्म कराएंगे। और कल तो रात भर यदि भागवत चलवे कोनो खोती अच्छी की, कल तो वैसे ही जागरण किया जाता है, लेकिन रात भर नहीं सुनाएंगे, हमको भी तो अपना पूजा पाठ करना है रात में। इसलिए आनंद से कल कथा में आइए। पहले कुछ सूचनाएं, उन सूचनाओं को देते हैं और तत्पश्चात आप सभी लोग प्रेम से आरती करेंगे। बिना आरती लिए नहीं जाना चाहिए, इसलिए आरती करने वाले लोग आरती की थाल गेट के पास भी ले जाया करो, वहीं ले जाओ, आरती लो, प्रसाद लो। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आरती में चढ़ाओ ही 5 रुपए 10 रुपए, इस बात से नहीं, लेकिन आरती लेनी चाहिए, बिना आरती किए नहीं जाना चाहिए। कोई अति आवश्यक है, कोई काम आ गया, दूर घर है, वो जा रहे हैं तो क्षमा मांग करके चले जाएं, वो अलग बात है। लेकिन साधु का काम है सही को बताना, और आपका काम है करना या ना करना। मेरा काम तो बताना है, सो हम तो बताएंगे। आइए एक छोटा सा भजन गाते हैं और फिर आगे की तरफ चलते हैं। जाइए ब्यास से कोई दो लाइन। मुकुट सिर मोर का, मेरे चित चोर का, दुने नने नने ना, दुने नने नने ना, दुने न सरकार के कटिले कटार से, दुने न सरकार के कटिले कटार से, मुकुट सिर मोर का, मेरे चित चोर का, मेरे सिर मोर का, मेरे चित चोर का, दुने नने नने ना, दुने नने नने ना, दुने न सरकार के कटिले हैं कटार से, दुने न सरकार के कटिले हैं कटार से। देख के कमल लजाए तेरे नैनों को, देख के कमल लजाए तेरे नैनों को, देख के नैनों को, देख भूली घटाए तेरी कजरे की रेख पे, भूली घटाए तेरी कजरे की रेख पे, दीवानों ने विचार के कहा ये पुकार के, दीवानों ने विचार के कहा ये पुकार के, दुने नने नने ना,
सरकार के कटिल है कटर से मुकुट श्री मोर का मेरे चित चोर का मुकुट श्री मोर का मेरे चित चोर का दुन नन 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 दुने न सरकार के गड़ीले कटार से दुने न सरकार के गड़ीले हैं कटार से आज के भागवत के यजमान ध्रुव कश्यप जी मंच पे तो बैठे ही हुए हैं। मैं दानदाताओं की सूचना कर देता हूं, झुनू भगत जी ने 500 रुपए का दान दिया है, कोदका से हैं। एक बार जोरदार ताली बजाइए इन सब के लिए। भानु भगत जी 500 रुपए घाटशिला से हैं। मौमिता भगत जी 501 रुपए बालजुड़ी से हैं। एसपी गोराई 501 रुपए टुंडाकू से हैं। मातरम महिला समूह से 501 रुपए भुरखाडी के तरफ से और माँ भवानी महिला समिति की तरफ से 501 रुपए भुरखाडी से, सूरज मंडल जिला पार्षद के तरफ से 1001 रुपए का दान आया है। आज का स्वागत पायल भगत एवं आशा भगत के तरफ से हुआ है। हृदयांशु भगत ने जो भुरखाडी से हैं प्रसाद के लिए आज लड्डू का प्रसाद भी दिया है। इन सब के लिए एक बार जोरदार ताली बजा दें। जिन दानदाताओं का नाम मैंने लिया है वो क्रमबद्ध तरीके से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए मंच पे भी आ जाएंगे और आप सभी लोग अपने स्थान पे ही खड़े होकर भगवान की आरती करेंगे। खड़े हो जाइए आरती के लिए। जिन दानदाताओं का नाम लिया है वो कृपया मंच पे आ जाएं। जुनू भगत जी, भानु भगत जी, मौमिता भगत जी, एस पी गोराई